नमस्कार वेलकम टू एडुकेयर आसाम गति के डि डब्ल्यू अंतर्गत गवर्नमेंट अफ आसाम एल पी आर यू पी रेगुलर पदों कारण कल जो एडवर्टाइजमेंट प्रकाश पासी रेगुलर पदों कारण जो एडवर्टाइजमेंट है जो ऑनलाइन प्रक्रिया है जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है सीट बर्तमान स्टार्ट हो गई है। आप लोग डि डब्ल्यू जो ऑफिशियल वेबसाइट है डि डब्ल्यू डट आसाम डट जी ओ वि डट इन डट इन गई मोर भिडियो डिस्क्रिप्शन में थका लिंक गई आपलोगे ऑनलाइन तो सक्षम हम ऑनलाइन प्रक्रिया के रूल फलो लगे सकोखि कथा भिडियो जानवे सक्षम हम गति के पलक भिडियो स्टार्ट करूँ। गति के डि डब्ल्यू वेबसाइट जा वेबसाइट जो पीछे आपल प्रथम रिक्रुटमेंट टेब जा लगे अर्थात हाउ डु वाई देखी से हाउ डु वाई अपन देखने पा इतना जा रिक्रुटमेंट अफ रेगुलर टीचर गति के क्लिक करें क्लिक कर देखने पासे एक्सट्रा पेज खोल खा जाते आपल जो फर्स्ट जो देखने पाई से ऑनलाइन एप्लिकेशन सिस्टम फॉर रेगुलर टीचर ऑफ एलपी एंड यूपी स्कूल्स गति के आपुनी क्लिक कर लगे जो क्लिक कर एक्सट्रा पेज खोल खा जा गए इतना क्लिक कर लेनी ओके कर दी ओके कर पीछे एक्सट्रा पेज खोल खा जा गति के देखी से गवर्नमेंट अफ आसाम डायरेक्टर अफ एलिमेंटरी एजुकेशन और इतना किसान हेल्पलैन नम्बर दिया आपलोक जो क्या असुविधा पाए तेज हेल्पलैन नम्बर फोन कर पे पीछते आपल डाउनलोड करें एडवर्टाइजमेंट ए जो एल पी आर यू पी द्वितीयते एडवर्टाइजमेंट बी जो हिंदी टीचर कारण यू पी स्कूल ऊल्से कमन इन्स्ट्रक्शन किसान दी गति के इन्स्ट्रक्शन क्या चाई लो इन्स्ट्रक्शन क्या आपलोल अनलाइन एप्लाई कर आगते भल्क चाय लो दके गति के कमन इन्स्ट्रक्शन क्या कैसे जो एप्लाई नाउट क्लिक कर लगे और रेजिस्ट्रेशन कर लगे दु नम्बरते क्या कहे अपना निजर जो फोन नम्बर है इमेल आई डी और पासवर्ड दी आपुनी लग इन करे तपा तीन नम्बर लिखिसे बिफोर यू प्रोसीड टू रजिस्टर योर सेल्फ यू मास्ट इन्श्योर डेट यू हेव रीड एंड अंडारस्टुड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिजार्भेशन पॉलिसी अफ द पोस्ट पास यू आर एप्लाइंग फोर इतना पास आसल पोस्ट हम प्रिंटिंग मिस्टेक हम पे चार नम्बर लिखिसे बिफोर फाइनल सबमिशन अफ ऑनलाइन एप्लिकेशन फर्म जैसे आपलोल फाइनल सबमिट कर और एक बारते ऑनलाइन कर सबमिट नक सको डिटेल्स आनी पुनः चाह अपना पार्सनल डिटेल्स अपना डकुमेंट्स आपलोड शुद्ध से ना सकोखि कथा भल्क चाह कारण करेक्शन अपशन इतना ना और एटको जो अपनी दोबार रेजिस्ट्रेशन कर इतना देखिए पाँच नम्बर पाँच नम्बर लिखे इफ ए कैंडिडेट सबमिट मोर देन वन रेजिस्ट्रेशन जो एटको दोबार रेजिस्ट्रेशन कर हिज कैंडिडेट श्योर शेल बी एलिजिबल लायबल टू कैंसल गति के एजनों नाम दो रेजिस्ट्रेशन हो जाए अपना केन्द्रीय शेयर केन्सल हो जा पे और आनी फार्डार एग्जामिनेशन आनी वंचित हो जा पे जो फटोर कथा कैसे इतना फटो लगे अपना हाण्ड्रेड के वि नाइन्टीन के वि टू हाण्ड्रेड के विर भर लगते फटो होते भल दी आपल बहुते भूल कर फटोबूर आपल स्कैन कर निदे जिकोटा अनलाइनते आपलोल स्कैन कर फटो दी के फटो क्लिक कर मोबाइल फटो मारि सेल्फी टोपी पिंधा फटो स्पेक पिंधा फटो बेकग्राउंड हाबी थका बेकग्राउंड बेलेग बस्तु थका सदा बेकग्राउंड ह्वाइट ब्लू कलर एनका थका फटो दी लगे देखी से गति के लिखिसे फटोग्राफ शुड हेव नो शेडो एंड रेड आईज फटो फर्मेट शुड भी जेपीजी और जेपीजी हम लगे और स्कैन सिगनेचार सदा आपलोगे एन ह्वाइट पेपर ह्वाइट पेपर रोल थका पेपर ना एन प्लेन पेपर लगभग बहुत रोल पेपर स्कैन सिगनेचार कर नक एन ह्वाइट पेपर आपलोगे स्कैन ब्लेक पेनेरे मोर मते ब्लेक पेनेरे आपलोगे सिगनेचार कर और सिगनेचार आपलोड कर लगे और मेक्सिमाम साइज से 49 के वि और फर सार्टिफिकेट प्लीज मेक ए सिंगल पी डी एफ अफ मार्कशीट एंड सार्टिफिकेट फर इच टाइप एंड पी डी एफ शुड भी लेस देन वन एम वि इन सज गति के जो बार दूरी ये एक कथा से फर सार्टिफिकेट मैं धरल आपुनी हायर सेकेंडरी सार्टिफिकेट तो आपलोड करें स्कैन कर मैं पी डी एफते पी डी एफ तो एटा हम एट पी डी एफते आपलोल सार्टिफिकेट और मार्कशीट दूटा कम्बाइन कर वन पी डी एफ बनाब ठीक सीधे डी एल एड बी एडर सार्टिफिकेट और मार्कशीट कम्बाइन कर वन पी डी एफ बनाब और पी डी एफ फाइल हम लगे और बिलो वन एम वि हम लगे गति के कमन इन्स्ट्रक्शन गति के बेकत जाऊँ और लिखे द केन्डिडेट उल बी सोलि रेसपन्सिबल फर द इनफर्मेशन डकुमेंट्स आपलोडेड एगेन्स्ट द ऑनलाइन एप्लिकेशन वान्स आपलोडेड देर विल बी नो स्कोप अफ करेक्शन गति के करेक्शन कथा इतना ना गति के एक्सेप्ट एंड कन्टिन्यू इतना क्लिक कर एक्सेप्ट एंड कन्टिन्यू इतना क्लिक कर देखने पा अलरेडी रेजिस्टार्ड सकते इतना लग इन करपशन दिखे एडवर्टाइजमेंट फर एल पी और एडवर्टाइजमेंट फर हिंदी टीचर यू पी गति के आपलोगे जो लग इन करा ना आपल क्रिएट न्यू एकाउंट क्लिक कर लगे क्रिएट क्रिएट न्यू एकाउंट
অর্থাৎ এটা রেজিস্ট্রেশন পেজ হয় নিউ রেজিস্ট্রেশন দ্য কেন্ডিডেট উইল বি সলি এটো মই কলো এবাৰ গতিকে আপুনি কোনটো এপ্লাই কৰিব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এ ফৰ লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমাৰী আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট বি ফৰ হিন্দী টিচাৰ গতিকে আপোনালোকে যদি আছামিছ মিডিয়ামৰ বা এল পি বা ইউ পি যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে আৰু হিন্দী টিচাৰটো অলপ এক্সট্ৰাকৈ দিছে ইয়াত বুজি পাইছে হিন্দী মিডিয়ামৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ দিছে ইউ পি ইউ পিৰ যোনটো 1100টা পোষ্ট ওলাইছিল গতিকে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব আপোনাৰ টেট কেটেগৰি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব এল পি নে ইউ পি তাৰ পৰা কেণ্ডিডেট নেম ভৰাব আৰু সকলো ব্লক লেটাৰ দিব আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেম ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ জেণ্ডাৰ আপোনাৰ কেটেগৰি আপুনি এছ টি নে অ' বি চি নে এছ টি হিলছ আপুনি এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় নে নহয় য়েছ ন' যদি আপোনাৰ ইকনমিলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট আছে য়েছ ন' দিব আপুনি ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ নেকি য়েছ ন' দিব ফোন নম্বৰ দিব ইমেইল আই ডি দিব পাছৱৰ্ড আৰু কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড দিব গতিকে পাছৱৰ্ডটো দিওঁতে অলপ সাৱধান হ'ব য'ত আপুনি এটা স্মল লেটাৰ এটা কেপিটেল লেটাৰ আৰু এটা নিউমেৰিক ৱৰ্ড দিলে বেছি ভাল হয় গতিকে চিম্পল পাছৱৰ্ড নিদিব অলপ ভাল পাছৱৰ্ড দিব গতিকে ইয়াত আৰু পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্টটো বাচাম যদি য়েছ যদি হয় য়েছ কৰি আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্টত ক্লিক কৰিলে আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব লগ ইন কৰি আপোনালোকে এটা অ' টি পি যাব অ' টি পি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে লগ ইন হৈ যাব আৰু লগ ইন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড গ'টোৰ লগ ইনত যাব লাগিব গ'টোৰ লগ ইনত গৈ কি কি দিব লাগিব লগ ইন কৰিবলৈ হ'লে যে আপুনি ক'ত এপ্লাই কৰিছিলে চাপ'জ আপুনি এল পিত এপ্লাই কৰিছিলে এল পি দিব মোবাইল নম্বৰ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে দিয়া পাছৱৰ্ডটো দি আপুনি লগ ইন কৰিব পাৰে গতিকে এইটো আছিল চিষ্টেমটোৰ কথা আৰু ইয়াৰ পিছৰ দেখো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাম গতিকে এইবাৰ কিন্তু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা ইয়াত দিয়া নাই মই আগতে ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰা অপশ্যনটো দিয়া নাই আপোনালোকে প্ৰথম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰক আপোনাৰ কিন্তু হয়তো অনলাইন শেষ হোৱাৰ পিছত বা অনলাইনৰ কেইদিনমানৰ পিছতেই আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিবলৈ এটা অপশ্যন দিব য'ত আপোনালোকে একেদৰেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ মোবাইল নম্বৰ পাছৱৰ্ড দি আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব গতিকে সময় থাকোঁতে আপোনালোকে অনলাইনটো কৰক আই হোপ সকলোৰে ভাল হওক সকলোৱে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হওক থেংক ইউ ছ' মাছ অল দ্য বেষ্ট